हड़ताल की घोषणा। देश के लोगों के लिए आने वाला हफ्ता काफी मुश्किलों वाला होगा, क्योंकि 8 और 9 जनवरी को ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी संघ और बैंक कर्मचारी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2 दिन के हड़ताल का आह्वान किया है। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने इस 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। सरकार की कथित कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने बंद का आह्वान किया है। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों इस प्रस्तावित हड़ताल का समर्थन करने का निर्णय लिया। 8 और 9 जनवरी के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बारे में इंडियन बैंक एसोसिएशन को ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन और बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सचेत कर दिया है। इसमें ईटफ, एटफ, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, एआईसीटीयू, यूटीयूसी, एलबीएफ और सेवा शामिल है। इन्होंने केंद्र सरकार के सामने अपनी 12 मांगे रखी है। बता दें कि पिछले महीने की 26 दिसंबर को भी 9 सरकारी बैंकों के लगभग 10 लाख कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर थे। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन